और यहाँ देखिए बाबू नहा के अपना खाना खा रहे हैं। यहाँ देखिए भात का लड्डू मतलब चावल का लड्डू बाबू खा रही है, घी भात नमक का लड्डू बनाती है। और बाबू आज खूब नहाए है एकदम, इसमें एक बोतल डिटॉल डाल दिया पानी में और नहा लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 17 मार्च और मैंने खाना वगैरह बना लिया, थोड़ा बहुत बच गया। चावल दाल और चोखा बनाया है आज, और बैंगन का भाजा बना रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ खाते खाते बोर हो चुकी हूँ और भुजिया भी लगभग बन ही जाता है 2 दिन पे। तो शायद भाजा बना रही हूँ, बैंगन का दिखाती हूँ आपको। यहाँ बैंगन को यहाँ मैं कढ़ाई में, अभी मैंने तेल नहीं डाला पर थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा तेल डाल दिया है तो दोनों तरफ से ये सिक जाएंगे। तब मैं इसमें डालूंगी मसाले जो कि यहाँ पे हैं, लहसुन, हल्दी, मिर्ची और नमक का पेस्ट जो कि मैं उससे स्प्रे कर दूंगी थोड़ा सा पकने बाद, फिर दोनों तरफ सेक लूँगी। और वो पीस मैंने यहाँ बना लिया है, अभी देख लीजिए आप लोग। तो ये चावल दाल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ बन चुका है मेरा आलू का चोखा, सिर्फ तेल नमक और प्याज हरी मिर्च डाल के बहुत ही लगता है। इसको बोली और भात को एक बार और बोल दो, इधर देख के बोलो। धीरे से क्यों बोली तू? सच बोरिंग डे बाबा, सच बोरिंग डे, सच बोरिंग पीपल, बोलो तो तुम। कौन है बोरिंग पीपल? मम्मा कुछ भी कर लो यार, मेरा टाइम भी कुछ नहीं होता है, ना ड्यूटी जाना होता है, ना खाना बनाना होता है, ना सोना होता है, सब अनटाइमली है। मेरी लाइफ स्टाइल तहस नहस हो के रह गई है, मैं खुद चाह के उसको ठीक नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। अरे बाबू दिखाओ तो कैसा होता है मूंग दाल, हम नहीं देखे हैं। अरे मम्मा को भी देगी क्या? हाँ। कैसा होता है मूंग दाल, कैसे खाएगी, खा के दिखाओ। कैसे? डंडा नहीं है, लकड़ी का ये छोलनी है, कर छोल छोलनी। तुम ही तो निकाली, हम रखे हुए थे उधर, तो रुक जाओ। अरे बाबू मूंग दाल निकाल ली प्लेट में, कैसा लग रहा है? अच्छा, टेस्टी। इधर दिखा मुँह। बाबा तो गिर जाएगा, उधर रखो, गिर जाएगा। वो प्लान छोटा वाला है, कौन ये वाला क्रीम वाला है? ये क्रीम वाला का, सादा वाला का, 20 रुपया पे। तो अभी नहा सो के मैं बैठी हूँ और बज रहे हैं 5 और यहाँ मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। पैकेट वाला आइसक्रीम आया हुआ है, तो बच्चे नहीं हैं अभी घर में, पता नहीं कहाँ चले गए। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए थोड़ी सी आइसक्रीम, खा लीजिए। तो यहाँ पे आ गया है चाउमीन, और इत्तेफाक से इसमें नमक नहीं डाला हुआ था, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में डाल के नमक डाला है।